जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है हमारा सीरीज का सिक्स्थ सेशन। आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी कंप्लीट करते जाइए। और आज हम आपको हमारे इस सीरीज का सिक्स सेशन देखने को मिलेगा। इसमें हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आपको इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ये है, इसका लिंक आप यहाँ पे जाएंगे, इस सेशन का पीडीएफ आपको कंप्लीट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जैसा कि आपको पता है आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर ये जो 2024 का था, 24 का इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इसमें यूएन द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस साल का जो थीम है वो अगर आपको पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी इन्वेस्ट इन हर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन हर गोल्स, इन्वेस्ट इन हर क्रिएटिविटी, इन्वेस्ट इन हर पैशन, इन्वेस्ट इन हर प्रेस फ्रीडम एंड इन्वेस्ट इन हर स्किल्स। यानी आपको अपने लाइफ में इन्वेस्ट करना है। आपकी जिंदगी का सबसे प्रेसियस चीज आपकी जिंदगी है, इसलिए अपने स्किल्स एंड डेवलपमेंट्स पे फोकस कीजिए, उन्हें उन पे इन्वेस्ट कीजिए और अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचिए। आज हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर का करंट अफेयर्स। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ स्कीम्स का जिक्र किया गया है कि 50 वर्ष की उम्र से महिलाओं को पेंशन, विधवा पुनर्विवाह योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, एकल और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन, और ये जो 55,000 महिला सखी मंडल है इन्हें 825 करोड़ रुपए का सहायता या क्रेडिट दिया गया है। तो हम आज ये स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे सेशन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा झारखंड वृद्धा पेंशन योजना। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि वुमेन जो भी राज्य, झारखंड राज्य की जो भी वुमेन है उन्हें और एससी एसटी कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन्हें जो है 50 वर्ष की उम्र से ही पेंशन का लाभ मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में। और यहाँ पे जो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट में जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें भी स्कीम इस पेंशन का लाभ मिलेगा। और अभी जो हमारे झारखंड राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर्स हैं और इन्हें जो यह सुविधा पेंशन की मिलेगी, यह मुख्यमंत्री राज्य श्रम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ये इन्हें यह पेंशन मिलेगा। 1,000 रुपये हर महीने इन्हें मिलता जाएगा और ये इसके लिए 18 साल के बाद से ही एलिजिबल है ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटीज के लोग, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इन्हें ओबीसी का स्टेटस भी दिया गया है इस कम्युनिटीज के लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट है झारखंड का मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना। यह रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है, कुछ दिन पहले यानी ये 6 मार्च को ही स्टार्ट किया गया है। यह अभी रिसेंट की न्यूज है लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। और इसमें क्या है ना कि इसमें प्रोत्साहन राशि 2,00,000 रुपए की है इस स्कीम के तहत। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं देखना है। नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं अच्छे से इस स्कीम को, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है झारखंड का फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इस योजना में के बारे में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ये इसे सितंबर 2020 में स्टार्ट किया गया था, ताकि इससे जो भी वो सभी महिलाएं जो हड़िया और शराब के जैसे कार्यों से जुड़ी हुई है उन्हें जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, ताकि उन्हें फिश प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन, ये इन जैसे कार्यों से जोड़ा जा सके। इसके लिए यह जो योजना है यह स्टार्ट की गई थी। और यह इस योजना में स्टार्टिंग में महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, तो इसे आप याद रखेंगे।
यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता दूँ, ये फूलो झानो कौन थी? तो ये फूलो झानो जो है ये दो बहनें थी, फूलो मुर्मू एंड झानो मुर्मू। आपने इन दोनों के बारे में सुना होगा, आपने हुल रिवोल्ट के बारे में सुना होगा। इन्होंने अपने भाइयों सिद्धू कान्हू के साथ मिलकर, सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव इनके साथ मिलकर हुल रिवोल्ट को लीड किया था। तो आप तो हुल रिवोल्ट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्कीम के बारे में देखते हैं। यह है सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2019 में जब यह स्कीम लॉन्च की गई थी तो इसका नाम था किशोरी समृद्धि योजना। इसका नाम क्या था? किशोरी समृद्धि योजना। और इसे 2019 के बाद 2022 में इसका नाम बदल दिया गया, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। यह इसका नाम 2022 में किया गया। और इस स्कीम में अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप देख ले तो इसमें क्या है कि इसमें क्लास 8 और क्लास 9 में छात्राओं को 2500 और 2500 रुपये की राशि मिलती है, क्लास 10, 11th और 12th में 5000 रुपये की राशि मिलती है, और 18 साल के बाद इन्हें 20000 रुपये की राशि मिलती है। अगर आप ये सारे इन सारे जो इन्हें मिलती है इनको कैलकुलेट करें तो इन्हें टोटल 40,000 रुपीज का इस योजना में लाभ मिलता है इन छात्राओं को। तो इसलिए आप इस चीज को याद रखेंगे कि यह इसमें क्या क्या किस कक्षा में कितना अमाउंट मिलता है। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे ईयर तो बता ही दिया है कि 2019 में किशोरी समृद्धि योजना के नाम से इसे स्टार्ट किया गया था, और 2022 में इसका नाम सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको सावित्री बाई फूले के बारे में बताऊं तो इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, और इन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए फर्स्ट स्कूल की शुरुआत की थी। आप मुझे इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको इनके बारे में अच्छी चीजें लगती हो एक पॉइंट जरूर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गूगल कीजिए, इनके बारे में पढ़िए और एक पॉइंट तो जरूर लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है नेशनल थांगटा चैंपियनशिप 2023। यह कब आयोजित हुआ था? तो यह रांची में 24 से 25 नवंबर को आयोजित हुआ था। यह रांची झारखंड के हरिवंश ताना भगत स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हुआ था यह नेशनल थांगटा चैंपियनशिप। और यह जो चैंपियनशिप है, एक बार अगर हम थांगटा का मीनिंग देख लें तो थांग का मतलब होता है तलवार, और टा का मतलब होता है भाला। इसका ये मीनिंग हो जाता है, बस मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। और इस चैंपियनशिप में जो झारखंड के प्लेयर्स ने टोटल 23 मेडल्स को जीता था, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रोंज है। तो आप ये बस एक बार इनका बस ये याद रखेंगे कि कितने मेडल्स मिले थे। और इसमें जो है फर्स्ट, अगर हम रैंक की बात करें जो भी स्टेट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, तो फर्स्ट रैंक पे मणिपुर था, सेकंड पे जम्मू एंड कश्मीर था, एंड थर्ड पे आसाम था, और झारखंड जो है 23 मेडल्स के साथ 5th नंबर पे था। तो ये चीज को आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम आपको दे दिए हैं। ये है राजकुमार किस्कू, सुरेश टूटू, पूनम कुमारी और सान्या सिंह। ये जो 4 प्लेयर्स के नाम है, इन लोगों को गोल्ड मिला था इस चैंपियनशिप में। तो आप एक बार इनके नाम याद रखेंगे कि ये किस से रिलेटेड है। तो ये थांगटा चैंपियनशिप से रिलेटेड है ये सारे प्लेयर्स। और इसमें अगर हम बात करें तो कौन किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसमें जो है राजकुमार किस्कू ये हैं धनबाद से, आप यहाँ देख सकते हैं मैप में धनबाद से हैं। और ये सुरेश टूटू कहाँ से है, तो ये दुमका से हैं। और ये जो सान्या सिंह है वो पलामू से है। तो मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आपको बता दिए, तो ये चीजों को आप याद रखेंगे। अब ये हो, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, इतनी सारी बस इतना ही चीज़ है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप पे। यह अजरबैजान के अर्मेनिया के में यह आयोजित की गई थी। और इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो ये अमीसा केरकेट्टा है,
ये सिमडेगा की हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये किस गांव से हैं? तो ये कोनपाला पंडरीपानी गांव से है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की। और इनकी जो कैटेगरी थी वो 54 किलोग्राम कैटेगरी थी। और ये पहली प्लेयर है झारखंड से जो पिछले 23 सालों में जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनी है। इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, ये आपको याद रखना है, भूलना है नहीं है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कौन सा मेडल है, सिल्वर मेडल है। और ये है अमीसा केरकेटा, और ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां से सलीमा टेटे भी है। तो वैसे सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए फेमस है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अमीसा केरकेटा सिमडेगा की है लेकिन वो बॉक्सिंग करती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है इन चीजों में। नेक्स्ट है नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप, यह भी झारखंड में आयोजित की गई थी। यह रांची के सिद्धू कानू स्टेडियम खेलगांव में ये आयोजित हुआ था यह चैंपियनशिप। और इसमें झारखंड की जो ये सरिता कुमारी है, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता था। और ये स्प्रिंट इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था। ये चीज ये आप याद रखेंगे। और ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट की है, सरिता कुमारी। और अगर हम लोहरदगा और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो जैसे यहाँ मैप में आपका यहाँ पे है सिमडेगा एंड लोहरदगा, तो ये आपका आ जाता है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में। ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ सिमडेगा के बारे में जान लें थोड़ा सा, अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो आपका सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम वीरू कैलाश पुर परगना के नाम से भी जानते थे, सॉरी वीरू कैसलपुर परगना। इस नाम से हम क्यों जानते थे? क्योंकि यहाँ पे गजपति डैन किंगडम, यहाँ पे गजपति किंगडम के राजा गंगा वामसी, इनका शासन था सिमडेगा में पहले, इसलिए इसे हम पहले वीरू कैसलपुर परगना के नाम से भी जानते थे। ये पहला बहुत मतलब ये पहले का नाम है, आप बस इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। और लोहरदगा के बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देती हूँ। तो लोहरदगा जो है, इसका जो उल्लेख है अकबर की एक किताब है आईने अकबरी, उसमें इसका उल्लेख हुआ है लोहरदगा का, किस्मते लोहरदगा, उस बुक में लिखा है किस्मते लोहरदगा। आप मुझे बताएंगे कि ये जो अकबर की आईने अकबरी बुक थी, इसे किसने लिखा था, इसके राइटर कौन थे, और उसने किस लैंग्वेज में इस बुक को लिखा था? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अगर हम लोहरदगा की बात करें, तो लोहरदगा जो है वो दो शब्द से बना है, लोहार एंड दागा। इसमें लोहार जो होता है वो लोहार मतलब जो लोहा बनाने वाले, और दागा मतलब होता है सेंटर, यानी लोहरदगा का मतलब हो जाता है सेंटर ऑफ आयरन माइनिंग। ये लोहरदगा का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया, मैंने बस बता दिया। अब देखते हैं ये नेक्स्ट हमारा है, ये कौन है? ये है हमारे झारखंड के नए चीफ सेक्रेटरी, इनका नाम है मिस्टर लाल बियातलुआंगा खियांगते। नाम जैसा भी है आपको याद रखना है, याद रह जाएगा, आप बस इन्हें रिवाइज करते रहेंगे। और ये कहाँ से है? ये मिजोरम से हैं, बिलोंग करते हैं, और ये अब भी हमारे नए झारखंड के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और इनके पहले थे मिस्टर सुखदेव सिंह, इनके पहले मिस्टर सुखदेव सिंह थे झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, और अब है लाल बियांगतुआलांगा खियांगते। और ये 31 अक्टूबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, ये है 100 स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग। इसमें जो है, इस रैंकिंग में रांची को सेकंड पोजीशन मिला है,
और ये जो गुजरात का सूरत सिटी है यह फर्स्ट प्लेस पे है। रांची की हम बात करें तो रांची जो है 2021 में इसे 12th पोजीशन मिला था, और इसके बाद 2021 के बाद या लास्ट ईयर 2022 में, हाँ 2022 में यह 5th रैंक पे आ गया था, और उसके बाद फिर इंक्रीज ये डेवलप करते हुए अभी रीसेंट के रैंकिंग में यह सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो आप याद रखेंगे कि 100 स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें जो है रांची वो सेकंड पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन पे है गुजरात का सूरत सिटी। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग। नीति आयोग ने पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है फॉर एबीपी यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इस रैंकिंग में अगर हम देखें तो इसमें ज्योग्राफिकली 6 जोन्स वाली रैंकिंग है ये। इसमें सभी ब्लॉक्स को टोटल 6 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था, और इस जोन्स में जो ईच जोन है प्रत्येक जोन में से 2 ब्लॉक्स को रैंकिंग दी गई थी। और ये जो रांची है झारखंड है ये जोन 6 में लाई करता है ईस्टर्न इंडिया। इस जोन 6 में पहले रैंक पे था सिवान बिहार का अंडार ब्लॉक, और दूसरे रैंक पे है झारखंड दुमका का रामगढ़ ब्लॉक। तो एकदम बिल्कुल आपको याद रखना है कि नीति आयोग द्वारा पहली बार डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है किसके लिए, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए, जिसमें रामगढ़ जो है झारखंड दुमका का वह सेकंड रैंक पे है और फर्स्ट रैंक पे है बिहार के सिवान का अंडार ब्लॉक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगर हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य है कि जो भी देश के अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उनका डेवलपमेंट करना, उन वहाँ के जो भी रहने वाले हैं उनके लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। और इस प्रोग्राम में जितने भी 27 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज, इनके 500 ब्लॉक्स को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें नीति आयोग के बारे में, सब इसके पहले आप मुझे एक काम करेंगे, यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के मैंने बारे में मैंने आपको बताया, आप मुझे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि यह किस ईयर में लॉन्च किया गया था, इसकी लॉन्च डेट क्या थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पे नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग जो है ये किस ईयर लॉन्च हुआ था, सॉरी नीति आयोग को किस ईयर एस्टेब्लिश किया गया था, तो यह 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसके जो अभी हमारे सीईओ है वो है श्री BVR सुब्रमण्यम। ये हमारे अभी सीईओ हैं नीति आयोग के। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे, और कमेंट सेक्शन में आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का लॉन्च डेट जरूर बताएंगे। अब ये हम देख लेते हैं मॉक ड्रिल ऑन फ्लड रेस्क्यू इन हटिया डैम। ये जो है NDRF और SDRF, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसकी 5 टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF की 1 टीम के द्वारा फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। और यह सब पहली बार है जब रांची और सारे जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी झारखंड के ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया था। और यह मॉक ड्रिल जो है NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिगेडियर BS ठाकुर, इनके गाइडेंस में इस ड्रिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बस अब हमारा आज का सेशन यही होता है खत्म। हमने दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। आप मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। आपको आज है महाशिवरात्रि, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।
धन्यवाद।